पैसा एक ऐसी चीज है जो सभी की प्रिय होती है, खासकर आजकल के महंगाई के ज़माने में पैसा सभी की ज़रूरत बन जाता है। इसलिए हर किसी की यही कोशिश भी होती है कि उसकी झोली में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आ जाए, लेकिन हर किसी के भाग्य में पैसा नहीं लिखा होता है। कई मामलों में तो इंसान के कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसे मनचाहा पैसा नसीब नहीं होता है। ऐसा उसके बुरे भाग्य की वजह से होता है। जब आपकी किस्मत ही खराब हो तो पास रखा पैसा भी खर्च हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको एक ऐसा ही सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको आजमाने के बाद आपको पैसे की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, आमतौर पर पैसों से संबंधित समस्याओं का समाधान लेकर हर कोई माता लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है, लेकिन यदि आप इनके साथ गणेश को भी प्रसन्न कर दो तो आपको मालामाल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। यदि आपने गौर किया हो तो गणेश जी को भाग्य विधाता भी कहा जाता है। किसी भी जातक के भाग्य को कैसे पलटना है ये गणेश जी को बहुत ही अच्छे से पता है। यदि गणपति बप्पा आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, तो वे आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसा गणेश उपाय बताने जा रहे हैं जिसको आजमाने के बाद धन से संबंधित मामलों में आपका भाग्य बहुत ही प्रबल हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए इस उपाय के बारे में जानते हैं। इस उपाय को आप बुधवार के दिन करें क्योंकि ये गणेश जी का दिन होता है और इस दिन वे भक्तों की पुकार जल्दी ही सुन भी लेते हैं। सबसे पहले बुधवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। अब एक केले का पत्ता लाएं और उसे गणेश प्रतिमा के सामने रख दें। इस केले के पत्ते के ऊपर आपको तीन ढेरी बनानी है। इसमें पहली होगी चावल की, दूसरी गेहूँ की और तीसरी सिक्कों की। सबसे पहले तो आप गणेश जी के सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दें। अब उनकी आरती करें और इसके बाद इस आरती को केले के पत्ते पर रखी सामग्रियों पर भी दें। फिर गणेश जी के सामने माथा टेक कर अपनी धन से संबंधित समस्या या मनोकामनाएं बताएं। अब केले के पत्ते पर रखी चावल की ढेरी को अन्य चावल में मिलाकर खीर बना लें। वहीं गेहूँ को आटे में मिलाकर उसकी पूड़ियाँ बना लें। अब ये खीर पूड़ी सबसे पहले तो आप गाय को खिलाएं, इसके बाद घर के सभी सदस्यों को भी इसे ग्रहण करने दें। सिक्कों की जो आपने ढेरी बनाई थी उसमें एक सिक्का भरकर घर की तिजोरी में रख दें, इससे घर में बरकत बनी रहेगी। इसके बाद एक सिक्का आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि पर्स वाले सिक्के को आपको खर्च बिल्कुल ही नहीं करना है और बाकी जितने भी सिक्के बचे हैं उन्हें आप गरीबों में बांट दें। दोस्तों, इसके बाद जो चमत्कार होगा आप खुद भी महसूस कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके बहुत ही काम आने वाला है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए और अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल पर लगातार आप बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।